बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयुग स्मरामि ओम पवित्रीकरणं धारणं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाय नमः ओम सावित्रे नमः ओम सरस्वते नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातः पुण्डरीकाक्ष पुनातः पुण्डरीकाक्ष पुनातः यजमान ललाते स्वस्ति तिलकं कुर्यातः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पुनः स्ते अक्षत पुष्पाणि आदञ्जयः श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो ध्यानम् ओम सभी अपने अपने सिर पर रूमाल रख लेंगे ओम हरि ओम कस्तर तिलकम ललाट बदले वाचै स्थले कौस्तुवम नासाग्रे वरिमोक्तिकं करतले वेदुः करे कंकणम सर्वाङ्गी हरिचन्दनं सुललितं कंठे चमोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिम् ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः कंदनम समर्पयामि भागवत महापुराण के तिलक कर देंगे भागवत जी के तिलक कर दें तिलक लगा देंगे ओम हरि ओम गंध द्वारा दरायष्टां निष्ट पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो पवे श्री अम्मा गंधनम समर्पयामहे गंधनान्ते पुष्पमालां समर्पयामहे माल्यादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयतां पुष्पमालां समर्पयामहे श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः पुष्पमालां समर्पयामहे पुष्पमालान्ते नैवेद्ययामहे ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः नैवेद्ययामहे ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसीष्णोदयः समवर्तता पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका न कल्पयन्नः नैवेद्ययामि ताम्बूलपुंगीफलं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामहे श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः नैवेद्ययामि नैवेद्यान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामहे श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामहे ओम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामहे श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामहे द्रव्यदक्षिणान्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामहे हस्तौ प्रार्थितः हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे ओम हरिः ओम वंशी विभूषित करा नवनीरदाबाद पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्टाद पूर्ण इंद्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि बोले भागवत महापुराणे की जय
आइए व्यास जी महाराज के माला ठाकुर जी को पहना देंगे। पहले माला एक ठाकुर जी को पहना दें। ओम हरे हे अम्बा श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि श्रीलड्डुगोपालदेवताभ्यो नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि बोले बालकृष्णलाल की जय। आइए व्यास जी महाराज के तिलक करेंगे। ओम हरे हे अम्मा अनामिका से इससे अनामिका से ओम हरे हे अम्मा। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ विष्णवे नमः व्यासरूपाय नमः माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयताम्। पुष्पमालां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि श्री विष्णवे नमः व्यासरूपाय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ॐ हरिः ॐ विष्णवे नमः व्यासरूपाय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। ॐ श्री विष्णवे नमः व्यासरूपाय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि बोले व्यास जी महाराज की जय बालकृष्णलाल की जय। ॐ हरे हे ॐ नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चावल लगा दीजिए। ओम श्री ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। तिलकं समर्पयामहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पोका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रगदस्वामरुतः प्रश्ने मातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सौरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्नेहं भद्रं करिणेभिः सुडुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्ट्वा गुंसस्तनो विर्मसि महि देवहितञ्जदायो सतमेन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रान्नशकराजरसन्तनोऽपि श्रीभगवान् की है आरती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचमृत निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचमृत
बनाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही आजक मंगल की आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है कारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से मधुरे बोल जगबंद खोल सतमाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल मधुबंद खोल सतमाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे कृष्ण यही मेरे राम यही मेरे कृष्ण यही हाँ प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से 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 है मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यता कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरः ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की बस्ती माता की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे Mm-hmm.
सुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंदे विदेहतनया पदपो कैसोर सौरभ समा हितयोगिचित्तम् हन्तुम् प्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मान साज परपीडित बलास पुण्यम् दूर्वादलिप्युदितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमांबर विभूषित भूषितांगम् कन्दर्पकोटकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथ भुजां भज ज्ञानदीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्
मारुतिं नमतराक्षसांतकम् गंगातरंगजमरीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः माता रामो माता पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने कांतिप्सिता मृषत निंदित सारदेन्दो यत्रैकतो विलसता वसतांग सोवां वृंदावने विकृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री निज चरणन को वास यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जंगमं ताम देनुं शिरसां वंदे भूत भविष्य मातरम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पग वंदन किए ना सत विघन अने लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम लाख बार हर हर कहो एक बार हरदास अत प्रसन्न श्री लाडली देवी पिन को वास अत प्रसन्न श्री लाडली देवी पिन को वास बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। आइए आज की कथा गंगा में हम सभी प्रवेश करें। उससे पूर्व हम दो मिनट हरिनाम संकीर्तन करें। कृपया वार्तालाप न करें, आपकी बातों की आवाज वीडियो में जाती है। तो जो बातें करनी है, हंसना है, आप पंडाल से बाहर जाकर के करें।
कार्तिक मास का पावन पर्व चल रहा है, पावन महीना चल रहा है। आइए, और आज सोमवार भी है। ठाकुर जी का, ठाकुर जी को तो रोज ही भावा भावांजलि हम निवेदित करते हैं। आज भोले बाबा के चरणों में निवेदन करें, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हम सभी बड़ा सुंदर भाव भोलेनाथ के चरणों में निवेदन करेंगे। बोले शंकर भगवान की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भोलेनाथ के चरणों में बसे की। हमारे भोले बाबा कैसे हैं? अरे शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से काली सेवा करते हुए बहती है गंगधारा। अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर अरे जिमदामिनी उजाला। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा बड़े भाव से ताली सेवा करते बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से
बाबा कैसे गलमुंड माल राजे ससिवाल पर बिराजे गलमुंड माल राजे ससिवाल पर बिराजे गलमुंड माल राजे ससिवाल पर बिराजे गलमुंड बिराजे ससिवाल बिराजे डमरू निनाद बाजे ओ बाजे डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे ओ बाजे डमरू निनाद बाजे हर कर में त्रसूल धारा शंकर तेरी जटा से कहती है गंग धारा भोले तेरी जटा आइए सभी आवाज आनी चाहिए तेरी है गंग धारा भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा हर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर हर जिम्मेदामिनी उजाला कर तेरी जटा से कहती है गंग धारा कर तेरी जटा से शंकर भगवान की जय हो चर्म बसन धारी ब्रसराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी ब्रसराज की सवारी मृग चर्म बसन धारी ब्रसराज की सवारी निज भक्त दुख हारी हो हारी निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा तेरी जटा से बहती है गंग धारा भोले तेरी भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा हो भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर हर जिम्मेदामिनी उजाला काली घटा के अंदर आज जिम्मेदामिनी उजाला काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उजाला सुंदर तेरी घटा से बहती है गंग धारा भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा शंकर तेरी जटा बहती है गंग धारा द्रग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी द्रग तीन
तेज राशि कटबंद नाग फांसी गिर जाहे संग दासी। गाइए गिर जाहे संग दासी। हाँ गिर जाहे संग दासी। ओ गिर जाहे संग दासी। तुम विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा से अर्घ चाहते चंद्रमा और भेंट चाहती गंग। भाजत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। बोले शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। वृंदावन धाम की। माता रानी की। सब संतन की। सब भक्तन की। जय जय श्री सीता। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में नवनंद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता प्रभु बाल कृष्ण लाल उनकी वांगमय प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण गत तीन दिनों से इस कथा का आनंद ले रहे सभी आए हुए भक्तजन श्रोताजन भाई बंधु इन सभी को इस व्यासपीठ से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। कृपा शांति बना करके बैठे और फिर मैं इशारा करके टोकने लग जाऊंगा तब क्या होगा। आप कथा सुनने के लिए आए हो तो कथा सुनो। इच्छा नहीं है तो आप जा सकते हैं। कल हम सभी ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से करदम देवती महाराज का जीवन चरित्र और कपिल भगवान के द्वारा अपनी मां देवहूति को सांख शास्त्र का उपदेश सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज का सुंदर चरित्र हम सभी ने श्रवण किया। बड़ा सुंदर कहा भैया भजन की कोई उम्र नहीं होती। हम ये सोच लें कि भजन बुढ़ापे में जाकर के करेंगे ये हम सबकी भूल है। भजन की कोई उम्र नहीं होती। भजन तो कभी भी किया जा सकता है जब आपका मन हो। हम लोग सोचते हैं कि अभी कमा लीजिए जितना कमाया जा रहा है हाथ पैर चल रहे हैं नहीं तो पंडित जी हमें तो भजन फिर बुढ़ापे में करना ही नहीं है। ये हम सब की बहुत बड़ी भूल है कि भजन हम सब बुढ़ापे में करेंगे।
भजन बुढ़ापे का विषय नहीं है। अंत समय हरि याद ना आया फिर काशी और मदीना क्या, फिर काशी और मदीना क्या। भजन के लिए जो संत महात्मा कहते हैं उसका एक ही कारण है, वो इसलिए भजन के लिए बोलते हैं कि भजन करने से तुम्हारा कल्याण तो होगा लेकिन भजन करते करते तुम्हारे अंदर एक ऐसी आदत आ जाएगी कि आप फिर हर श्वास पर भगवान का नाम जपोगे, हर श्वास पर भगवान का नाम जपोगे। भजन की कोई उम्र नहीं होती। व्याधस्याचरणम् ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्र का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में गोविंद को प्राप्त कर लिया। बोलो राधे राधे। मात्र 5 वर्ष की में। किसी ने कहा कि भगवान किसको जल्दी मिलते हैं, बोले दिन में 5 बार नहा करके भगवान का भजन करने से। तो किसी ने बड़ा सुंदर तर्क दिया, भैया किसी ने बड़ा सुंदर तर्क दिया, जो कई कई महीने वो कोलवील नहीं नहाते उनसे हमारे राम जी गले लग करके मिले। कई कई महीने वो कई कई महीने कोलवील नहीं स्नान करते। तो किसी ने कहा कि जब उम्र ज्यादा होती है, जब अनुभव ज्यादा हो जाता है तब भगवान मिलते हैं। तब कहा कि ध्रुवस्य च वयो विद्या। ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? मात्र 5 वर्ष। ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गई। तो किसी ने कहा कि मनुष्य योनि में भगवान मिलते हैं। बोले विद्या गजेंद्रस्य का। अगर मानव कोई भगवान मिलते तो फिर हाथी की रक्षा करने के लिए क्यों आए? एक निकल करके आया, भैया सबसे पहले भगवान ब्राह्मणों को मिलते हैं, जो जाति में वर्ण में उच्च होते हैं उन्हें मिलते हैं। तो बड़ा सुंदर कहा, का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। वो विदुर जी वो तो दासी पुत्र थे और भगवान उनके घर जाकर के केले के छिलके खा करके आए। बोलो राधे राधे। केले के छिलके, हम लोग 56 भोग बना करके भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं और गारंटी नहीं है कि भगवान हमसे प्रसन्न भी हो जाएं। भगवान आए शांति दूत बनकर के और भगवान ने शांति प्रस्ताव रखा दुर्योधन के सामने, दुर्योधन ने ठुकरा दिया। लेकिन दुर्योधन ने निवेदन किया, हे गोविंद आप आए हो तो मेरी माँ ने आपके लिए सुंदर व्यंजन बनाए हैं, आप चल करके भोजन पाइए। तब ठाकुर जी ने कहा कि भैया दुर्योधन मेरा तो निमंत्रण पहले से ही हो चुका है। बोले किसके यहां पर है? विदुर जी महाराज दूर खड़े थे क्योंकि दुर्योधन ने भगा दिया था, समझाने के लिए आए थे। दूर से कहा कि वो विदुर जी के यहाँ पे मेरा आज का भोजन है। अब विदुर जी सोच रहे हैं, ना मैं इनसे मिला, ना मेरी कोई भेंट वार्ता हुई, ना हालचाल मैंने पूछा, और ये कह रहे हैं कि मेरा तो निमंत्रण इनके यहाँ पे। अब विदुर जी सीधे घर गए, घर जाकर के विदुरानी से बोले, देवी आज गोविंद हमारे यहाँ भोजन पाने के लिए। और जैसे विदुरानी ने सुना कि आज गोविंद हमारे घर पर भोजन पाने के लिए आएंगे लेकिन हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए तो है नहीं, व्यवस्था क्या की जाए? तो विदुर जी ने कहा कि मैं कुछ बाजार जा रहा हूँ, वहां से माखन मिश्री लेकर के आ रहा हूँ, वही गोविंद गोप्रिय है।
विदुर जी गए बाजार में माखन मिश्री लेने के लिए, पीछे से ठाकुर जी आ गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, इतनी उन्मत्त होकर के भूल गई कि मुझे मैं स्नान कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एकदम दरवाजा भगवान ने खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया विदुरानी भूल गई कि मैं नहा रही हूँ। सीधे निकल करके आई, दरवाजा खोला, भगवान ने देखा, अपना अंग वस्त्र विदुरानी को उड़ा दिया। ठाकुर जी के आने पर भाव विभोर हो गई और जैसे कहीं गोविंद आइए अंदर आकर के बैठिए, अब बैठने के लिए स्थान खोजने लगे। इनको कहाँ बैठाऊं, कुर्सी दूं के सोफा दूं, क्या दूं है? कुछ नहीं, उस घर के आंगन में एक पट्टा पड़ा था। अब पट्टा जैसे ही बिछाया वो गलती से उल्टा पट्टा बिछ गया। भगवान ने देखा कि उल्टा ही पट्टा है, चलो कोई बात नहीं, भक्त ने बैठाया है, भगवान बैठ गए। भगवान ने कहा, देवी बहुत तेज भूख लगी है, बड़ी जोरों से। विदुरानी सीधे कदली वन में गई, वहां से सुंदर केले लेकर के आई और ला करके भगवान के सामने। भगवान ने कहा, देवी आज तो हम तुम्हारे हाथों से ही भोग पाएंगे। इतनी प्रेम में भाव विभोर हो गई, पागल हो गई विदुरानी के केले के छिलके को, केले को ले छिलका ठाकुर जी के मुंह में और गूदे गूदे को बाहर फेंक, केले को छीले, गूदा बाहर फेंक के छिलके को भगवान के मुंह में खिला दे। भगवान आंखें बंद करके खा रहे, एक बार भी ये नहीं कहा कि देवी तुम मुझे छिलका खिला रही हो, एक बार भी नहीं कहा। और जब विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा कि केले का गूदा बाहर पड़ा है, छिलके कहाँ हैं? एकदम विदुरानी को आकर के कहा, विदुरानी क्या पागल हो गई हो? और जैसे विदुरानी ने विदुर जी की तरफ देखा, क्या हुआ? बोले, ये देखो कि छिलका खिला रही हो कि केला खिला रही हो, छिलका कहाँ पर है? गोविंद मुस्कुरा करके बोले, भैया छिलका तो मेरे पेट में है। बोलो राधे, छिलका छिलका गोविंद खा गए। तो बोले, भगवान इतने बड़े दयालु हैं, ऐसे उनकी कोई जाति श्रेष्ठ थोड़ी ही थी यादव का। जाते विदुरस्य यादव पते, यादव पते, भगवान श्री कृष्ण उच्च जाति के न होते हुए भी उनके यहाँ पर जाकर के भोजन पाया। कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम्, किसी ने कहा, भगवान जो सुंदर होते हैं उनको मिलते हैं, जो बड़े सुंदर अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं। तो भैया, कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम्, वो कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी महाराज कुबड़ी, भगवान उसको मिले। तो कहा कि कोई बात नहीं, भगवान सबसे पैसे वाले को मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा रईस होता उसी को भगवान मिलते हैं। तब कहा कि मदिकम किम तत् सुदामनोधनम, वो सुदामा कौन सा, किस देश का राजा था जो भगवान उसके यहाँ पर कृपा करने के लिए गए? भगवान ने सुदामा पर कृपा की, लेकिन किसी ने कहा कि भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। ठाकुर जी तो केवल भक्ति के आधीन है। मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, भगवान यही कहते हैं। भैया, मैं तो अपने भक्तों के आधीन रहता हूँ, जैसे भक्त मुझे खिलाए मैं खा लेता हूँ, जैसे मुझे नचाए मैं नाच लेता हूँ, जैसे मुझे भजे वो मैं वैसा ही करता हूँ, जिस रूप में भक्त मुझे चाहे मैं उसी रूप में उसको दर्शन देता हूँ। कल्पना भक्त करता है और मैं वैसा ही बन जाता हूँ, वैसा ही बन जाता हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भजन की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी अवस्था में भजन किया जा सकता है। कोई सोचे के नहीं, हम तो साहब जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तो ये हम सबकी भूल है भैया। भजन बुढ़ापे में नहीं हो सकता है। अगर भजन बुढ़ापे में होता, हम तोड़ करके निवाला तो खा नहीं पाते, रोटी तो चबा नहीं पाते हैं, है? कौन सी उंगली से हम माला घुमाएंगे, कौन से हाथ से माला घुमाएंगे?
अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बालापन में खेला खाया और जवानी में हलहा क्या, बालापन में खूब सो रहा है महाराज, खाया पिया मस्त, पिताजी भी देख देख के हंस रहे हैं, देखो गाली दे रहा है तो बड़े को सो रहे हैं, देखो गाली दे रहा है, लेकिन छोटा गाली दे रहा है तो आगे जाकर के भी गाली देगा, क्योंकि बच्चे के हृदय पर जो बात अंकित हो जाती है पर वो उसको भूलता नहीं है। बालापन में खेला खाया और जवानी में हलहा क्या, वृद्ध भाई तब माला लीनी, बूढ़े हो गए अब तो राम जी का भजन करेंगे, बहुत कमा लिया। राम जी थारा मन राख्या, अब तो राम जी का मन रख लो, अरे भैया तेरी माला घुमाने से राम जी जैसे जवान हुए जा रहे हैं। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल कैसा काल, कोरोना काल है भाइयों और बहनों, घर में ही रहना, निकलोगे तो परेशान हो जाओगे महाराज, ऐसा लगा कि दुनिया ही खत्म हो गई हो, 2 साल है ऐसा ही लग रहा था, लग नहीं रहा था कि आगे जाकर के कथा होंगी, कीर्तन होंगे या कोई काम होगा, फिर तो शादियां भी 4 लोगों में, 4 तुम्हारे 4 हमारे भैया भामर डलवा दो काम का, और बहुत अच्छा हुआ, जो गरीब पिता थे उनके पास व्यवस्था नहीं थी तो फिर भी ठाकुर जी ने उनकी सुनी। लेकिन ऐसी महामारी जो व्यक्ति कहता था ना कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास समय नहीं है, भगवान ने कहा ले हम तुझे समय दे रहे हैं, फिर तो ऐसा समय दिया कि वो समय काटना बड़ा भारी पड़ गया। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हर का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या। कथा में हम जाएं तो केवल कथा सुनने के लिए हैं, बोले ना कहाँ जाते हैं, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए, सती मैया कहती है कहाँ जा रहे हो, बोले कुंभज ऋषि के पास में, जो राम कथा के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, और वो किसके पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कुंभज ऋषि जिनकी उत्पत्ति घड़े से हुई है। शंका हो गई लो, जो हर समय राम जी का नाम जपते हैं वो कुंभज ऋषि से सुनने के लिए जा रहे हैं, तो कथा में जाएं तो बिल्कुल खाली कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल हमें तो भरना ही भरना है, जब जैसे गाड़ी से डीजल खत्म हो जाता है तो जाते हैं ना पेट्रोल टंकी पर, भरी होगी तो बिल्कुल नहीं जाओगे, खाली हो जाती तो फिर जाते हैं, पैसे भी लेके जाते हैं, लाइन में भी लगते हैं, फिर मोदी जी चाहे 110 कर दें 108 कर दें फिर तो फिर भी डलवाते हैं, क्योंकि गर्ज पड़ती है ना, और पंडित जी बोल दें कि नहीं यहाँ 100 रुपये लेंगे या 500 रुपये की दक्षिणा ली जाएगी, महाराज सांप सूंघ जाता है, पंडित कहीं घर बुरा नाम करा ना ले। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि याद ना आया, फिर काशी और मदीना क्या। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जो राम जी के दास हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, वही सुखी, वही सुखी। नैमिषारण्य की वो पावन भूमि है,
जिस पर सूत जी महाराज स्वर्ण कादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और शुक्रताल की पावन भूमि पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की कोई उम्र नहीं, सशरीर ध्रुव लोक में जाकर के भगवान ने विराजमान करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भजन का कोई समय नहीं, जब मन हो तब भजन करें, जब मन हो। ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। भैया इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अंग हुए और उन्हीं के आगे उन्हीं के वंश में वेन हुए। वेन बड़ा दुष्ट राजा हुआ जो भगवान के भक्तों को बड़ा सताया करता था। संतों ने आकर के समझाया, भैया ज्यादा दुष्टता मत फैला नहीं तो हम तेरा सर्वनाश कर देंगे। संतों से कहने लगा, अरे तुम पाखंडी मेरा क्या सर्वनाश कर दोगे, तुम जानते नहीं मैं राजा हूं और राजा परमात्मा का स्वरूप होता है। संतों को क्रोध आया और जैसे ही संतों ने हुंकार भरी उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ उसकी जो मृग माँ थी, माँ ने अपने पुत्र की पार्थिव शरीर को ले जाकर के तेल के कढ़ाई में रख दिया। नहीं, बोले जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तब तक मैं इसका दाह संस्कार नहीं करूंगी, इसको जीवित करूंगी। तब संतों ने उसके शरीर का मंथन करके सुंदर ठाकुर जी का एक अवतरण करा दिया। और जैसे ही संतों ने भगवत प्रेरणा से उसके शरीर का मंथन किया तो दाई भुजा से एक पुरुष और बाई भुजा से एक नारी का जोड़ा प्रकट हुआ। बोलिए प्रथु जी महाराज की, श्री अर्ची महारानी की जय। उन्हीं के गर्भ से शरीर से पृथु जी महाराज जो भगवान के अवतारों में से एक है, 24 अवतारों में से। अंग के राज्य में अकाल पड़ गया था, पृथु जी महाराज की कृपा से फिर दोबारा से औषधि अन्न जल की व्यवस्था हुई। इन्हीं के वंश में पृथु जी महाराज के वंश में प्राचीन वर्ही हुए राजन और प्राचीन वर्हियों ने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को यज्ञ कुशा से पाट दिया। लेकिन एक गलती करते हैं क्या कि यज्ञ करने के बाद जब पूर्ण आहुति होती है तो किसी न किसी जीव की पूर्ण आहुति में हत्या कर देते हैं, बलि देते हैं। नारद जी ने आकर के समझाया, भैया क्या कर रहे हो, आप भगवान का यजन कर रहे हो और यजन के समय आप भगवान को ये जीव हत्या करके भगवान को अर्पण कर रहे हो। क्या आपको भगवान ने बनाया है तो क्या इन जीवों को भगवान ने नहीं बनाया हो? समझाया और कहा कि जरा ऊपर की दृष्टि डाल करके देखो। और जैसे प्राचीन वरही ने ऊपर दृष्टि डाल करके देखी, जितने जीवों की बलि दी थी सभी मुंह फाड़ फाड़ करके मानो राजा से कह रहे थे, राजन जब तुम मरोगे तो हम तुम्हारा ग्रास करेंगे। राजा डर गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। और उसके अंदर से इस भय को निकालने के लिए पुरंजनोपाख्यान सुनाया, रोजो पुरंजनोपाख्यान, तब जाकर के उसका भय दूर हुआ। परीक्षित प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र थे और इन 10 पुत्रों का नाम प्रचेता था। प्रचेता था इन्हीं प्रचेताओं को भगवान शंकर जी ने समझा करके बड़ा सुंदर रुद्र गीत का पाठ पढ़ाया। भैया के रुद्र गीत का स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। सुंदर ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण कर ही रहे थे कि अचानक परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो ध्रुव जी के पिताजी उत्तानपाद के वंश का निरूपण हुआ, अब उनके जो छोटे भाई हैं प्रियव्रत उनके वंश का निरूपण करिए। तो प्रियव्रत का जैसी वंश निरूपण किया तो कहा कि भैया प्रियव्रत कोई साधारण नहीं है, प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमंत यन मूलम कर्म बंद पराभव। ये प्रियव्रत कौन थे,
ये बड़े परेशान थे, किससे? सूर्य भगवान से। बोले सूर्य जब अस्ताचल हो जाते हैं तो फिर शाम को रात्रि हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो इन्होंने तपस्या करके एक सूर्य भगवान के समान ही एक रथ का अर्जन किया, रथ को भगवान की कृपा से प्राप्त किया। अब जब सूर्य भगवान आगे आगे तो पीछे अंधेरा हो जाता, जब सूर्य आगे आगे चलने लगे तो ये फिर पीछे पीछे उस रथ में बैठ करके चलने लगे, और इन्होंने उस रथ में बैठ करके इस धरा पर सात बार घुमाया, सात बार। और उन्हीं प्रवृत्त महाराज ने जब उस रथ को सात बार घुमाया तो वही सप्त सागर हो गए उनके पहियों के द्वारा, सप्त सागर। ब्रह्मा जी ने समझाया, भैया ये क्या कर रहा है, ये बनाई बनी बनाई प्रकृति है, इसमें उलट फेर मत कर, और कहा कि तुम विवाह करो, विवाह करके भगवान का भजन करो। सुंदर प्रियव्रत जी महाराज का विवाह हुआ और इन्हीं के वंश में भगवान फिर अवतार लेकर के आए। बोले ऋषभदेव भगवान की, इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज से जैन समाज की शुरुआत हुई। तो जैन समाज है जिसको हम जैन धर्म भी कहते हैं, इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज की कृपा से शुरुआत हुई। और इन्हीं ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज, सबसे बड़े पुत्र। वैसे तो इनके 100 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को, भैया कभी किसी का हृदय मत दुखाना, और ये जो पूरी पृथ्वी है ये हम सब की है। उदार चरिताना वसुदैव कुटुंबकम्, पूरी प्रजा को इकट्ठा करके और अपने पुत्रों को बैठा करके बोले, भैया नायम देहो देह बाजा नृलोके कष्टान कामान रते वंगुजाये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुद्यै तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वंतकम्। भैया ये शरीर केवल खाने पीने को नहीं मिला है, फिर ये शरीर केवल दुनियादारी के सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है, फिर किसके लिए मिला है? नरतन समन कवने हुदे, नरतन समन कवने हुदे, नरतन समन कवने हुदे, नरतन समन भैया ये शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इस शरीर के द्वारा ही भगवान तक पहुंचने का सुगम साधन ये भगवान ने शरीर हमें दिया है, इसलिए इस शरीर को छूटने से पहले भगवत प्राप्ति हो जाए, बस यही कृपा भगवान। महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते स्तोम द्वारम योषिताम योग संगम। जो महापुरुषों ने जिस रास्ते को बनाया उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, महापुरुषों का संग करके। और सुनो, ये शरीर जो मिला है ना खाने पीने के लिए सोने के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि खाना पीना तो अन्य जीव जंतु भी करते हैं, सूकर कूकर करत है खान पान संभो, तुलसी प्रथा न खोइए यह तन वजवे यो। इस शरीर का ऐसे ही विनाश मत करिए जब तक भगवत कृपा नहीं प्राप्त होती है। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विनमय सुरद साधव हुए। भैया महापुरुषों का संग करने से ही
तुम्हारा कल्याण होगा। बड़ा सुंदर उपदेश पुत्रों को देते हैं और उपदेश देने के बाद कहा कि मैं अब अपने बड़े पुत्र को गद्दी दे करके जा रहा हूं। और गद्दी देने के बाद सबदेव जी छोड़ करके चले भगवत वजन करने लगे। अब ब्रज जी महाराज हैं, वो सोच रहे हैं वाह जब पिताजी छोड़ करके चले गए तो मैं क्या करूं। समझ में आ गया, जब पिताजी ने सुख का भोग नहीं किया तो मैं सुख को भोग करके क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि पिताजी भी तो समझाते थे भैया ये जगत में कोई स्थिरता के लिए नहीं आया है, जगत किसी ये जगत एक जैसा नहीं रहने वाला है, फिर ये परिवर्तन होता है हर क्षण हर पल इसका परिवर्तन होता है। और किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सैर जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न सभी बड़े भाव से गाइए। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सत जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। अच्छा एक बात बताओ, इस जगत में कौन कौन परमानेंट है? हाथ खड़ा करें, जो है वो खड़ा करें, जो नहीं है वो। अच्छा यजमान हमारे परमानेंट है महाराज, हम तो अमर पट्टो लेके आए। हाँ आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट ओ प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। भैया सीटी बंद ही कर ले, एक बार बजाई तो दब के जो करानो एक बार करा दे तू। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट वो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट वो प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, 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 तेरे तंबू टेट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सेवा करते हुए ऋषभदेव जी समझाते हैं अपने बड़े पुत्रों को सभी को। हाँ हर द्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हाँ हर द्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे
जगत में कोई न परमानंद 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 बड़े भाव से कहिए प्रभु हम तो तुम्हारे या जर्नल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंटर भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे लेफ्टिनेंट जो बड़े बड़े पदों पर लोग रहते हैं एक व्यक्ति के लिए 20-20, 25-25 गाड़ी आगे पीछे महाराज है तब 10-20 बॉडीगार्ड एक व्यक्ति के लिए चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो जो बड़े बड़े पदवी पर बैठे हैं है? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया चाहे लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे लेफ्टिनेंट सभी महाराज सोचते हैं कि हमें कोई मार ना दे बड़ी सिक्योरिटी महाराज है इतनी सिक्योरिटी चलती है पता नहीं क्या करके मानेंगे लेकिन वो भूल जाते हैं क्या ये काल सभी को खा जाएगा 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 लेडीज हो या सबदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को भैया या जगत में कोई परमानेंट नहीं है लेकिन हम मान बैठे हैं अपने आप को कि हम तो परमानेंट ये हमारा ये घर हमारा है ये बच्चे हमारे हैं ये गाड़ी हमारी है ये दौलत हमारी है हम इसके राजा हैं भैया तुम बैठ जाओ प्रसाद होतो रे को जो आतो रे को चढ़ातो रे को जो भाग्य में होगा वो भाग के आवेगा और जो भाग्य में ना है वो भाग के चलो जाएगा बैठ जाओ ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया ये सच्ची गवर्नमेंट लाल सिंह के इस दफ्तर से मत होना अपसेंट भैया मत होना अपसेंट कथा कीर्तन के दर से मत होना अपसेंट हो भैया मत हो कथा हो रही चले जाओ सुनने के लिए ड्यूटी तो आप कल भी चले जाओगे लेकिन कथा कल सुनने को नहीं मिलेगी ये पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त नहीं होती मैंने पहले दिन बताया था भाग्योदय न बहुजन्म समर्जते न सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा भाई एक नहीं दो नहीं हजारों जन्मों के पुण्य उदय हो जाने पर ये कथा मिलती है श्रवण करने को और वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है कि जिसके सर पर ये पोथी रखी जाती है जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत साम अंत राम जन्म निकल जाता है लेकिन
और आजकल तो मैं देखता हूँ, चलो कथाएं तो ज्यादा हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जागरण ना जाने कब सिर चढ़ बोले काल कैसा काल, कोरोना काल। भाइयों और बहनों घर में ही रहना, निकलोगे तो परेशान हो जाओगे महाराज, ऐसा लगा के दुनिया ही खत्म हो गई हो, 2 साल है ऐसा ही लग रहा था, लग नहीं रहा था कि आगे जाकर के कथा होंगी, कीर्तन होंगे या कोई काम होगा। फिर तो शादियां भी 4 लोगों में, 4 तुम्हारे 4 हमारे भैया भामर डलवा दो काम का। और बहुत अच्छा हुआ, जो गरीब पिता थे उनके पास व्यवस्था नहीं थी तो फिर भी ठाकुर जी ने उनकी सुनी। लेकिन ऐसी महामारी जो व्यक्ति कहता था ना कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास समय नहीं है, भगवान ने कहा ले हम तुझे समय दे रहे हैं। फिर तो ऐसा समय दिया कि वो समय काटना बड़ा भारी पड़ गया। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हर का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या। कथा में हम जाएं तो केवल कथा सुनने के लिए हैं। बोले ना कहाँ जाते हैं, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए। सती मैया कहती है कहाँ जा रहे हो, बोले कुंभज ऋषि के पास में, जो राम कथा के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। और वो किसके पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कुंभज ऋषि, जिनकी उत्पत्ति घड़े से हुई है। शंका हो गई लो, जो हर समय राम जी का नाम जपते हैं वो कुंभज ऋषि से सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कथा में जाएं तो बिल्कुल खाली कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस केवल हमें तो भरना ही भरना है। जब जैसे गाड़ी से डीजल खत्म हो जाता है तो जाते हैं ना पेट्रोल टंकी पे, भरी होगी तो बिल्कुल नहीं जाओगे, खाली हो जाती है तो फिर जाते हैं, पैसे भी लेके जाते हैं, लाइन में भी लगते हैं। फिर मोदी जी चाहे 110 कर दें, 108 कर दें, फिर तो फिर भी डलवाते हैं, क्योंकि गर्ज पड़ती है ना। और पंडित जी बोल दें कि नहीं यहाँ 100 रुपये लेंगे या 500 रुपये की दक्षिणा ली जाएगी, महाराज सांप सूंघ जाता है, पंडित कहीं घर बुरा नाम करा ना ले। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि याद ना आया, फिर काशी और मदीना क्या। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। जो राम जी के दास हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, वही सुखी, वही सुखी। नैमि सारण की वो पावन भूमि है जिस पर सूत जी महाराज सौन का 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और शुक्रताल की पावन भूमि पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की कोई उम्र नहीं, सशरीर ध्रुव लोक में जाकर के भगवान ने विराजमान करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भजन का कोई समय नहीं, जब मन हो तब भजन करें, जब मन हो। ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। भैया इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अंग हुए, और उन्हीं के आगे उन्हीं के वंश में वेन हुए। वेन बड़ा दुष्ट राजा हुआ जो भगवान के भक्तों को बड़ा सताया करता था। संतों ने आकर के समझाया भैया ज्यादा दुष्टता मत फैला, नहीं तो हम तेरा सर्वनाश कर देंगे। संतों से कहने लगा अरे तुम पाखंडी मेरा क्या सर्वनाश कर दोगे, तुम जानते नहीं मैं राजा हूं और राजा परमात्मा का स्वरूप होता है। संतों को क्रोध आया,
और जैसे संतों ने हुंकार भरी उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही प्राणांत हुआ उसकी जो मृग माँ थी, माँ ने अपने पुत्र की पार्थिव शरीर को ले जाकर के तेल के कढ़ाई में रख दिया। नहीं, बोले जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तब तक मैं इसका दाह संस्कार नहीं करूंगी, इसको जीवित करूंगी। तब संतों ने उसके शरीर का मंथन करके सुंदर ठाकुर जी का एक अवतरण करा दिया। और जैसे ही संतों ने भगवत प्रेरणा से उसके शरीर का मंथन किया, तो दाई भुजा से एक पुरुष और बाई भुजा से एक नारी का जोड़ा प्रकट हुआ। बोलिए पृथ्वी जी महाराज की, श्री अर्ची महारानी की जय। उन्हीं के गर्भ से शरीर से पृथ्वी जी महाराज जो भगवान के अवतारों में से एक है, 24 अवतारों में से अंग के राज्य में अकाल पड़ गया था, पृथ्वी जी महाराज की कृपा से फिर दोबारा से औषधि अन्न जल की व्यवस्था हुई। इन्हीं के वंश में, पृथ्वी जी महाराज के वंश में प्राचीन वरही हुए राजन, और प्राचीन वरहियों ने इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को यज्ञ कुशा से पाट दिया। लेकिन एक गलती करते हैं क्या, कि यज्ञ करने के बाद जब पूर्ण आहुति होती है तो किसी न किसी जीव की पूर्ण आहुति में हत्या कर देते हैं, बलि देते हैं। नारद जी ने आकर के समझाया, भैया क्या कर रहे हो आप, भगवान का यजन कर रहे हो और यजन के समय आप भगवान को ये जीव हत्या करके भगवान को अर्पण कर रहे हो। क्या आपको भगवान ने बनाया है तो क्या इन जीवों को भगवान ने नहीं बनाया हो? समझाया और कहा कि जरा ऊपर की दृष्टि डाल करके देखो। और जैसे प्राचीन वरही ने ऊपर दृष्टि डाल करके देखी, जितने जीवों की बलि दी थी सभी मुंह फाड़ फाड़ करके मानो राजा से कह रहे थे, राजन जब तुम मरोगे तो हम तुम्हारा ग्रास करेंगे। राजा डर गया, प्रभु मेरी रक्षा करो। और उसके अंदर से इस भय को निकालने के लिए पुरंजनोपाख्यान सुनाया, रोजो पुरंजनोपाख्यान, तब जाकर के उसका भय दूर हुआ। परीक्षित, प्राचीन बरही राजा के 10 पुत्र थे और इन 10 पुत्रों का नाम प्रचेता था। प्रचेता था, इन्हीं प्रचेताओं को भगवान शंकर जी ने समझा करके बड़ा सुंदर रुद्र गीत का पाठ पढ़ाया, भैया के रुद्र गीत का स्तोत्र का आप पाठ करोगे तो भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। सुंदर ध्रुव जी महाराज के वंश का निरूपण कर ही रहे थे कि अचानक परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो ध्रुव जी के पिताजी उत्तानपाद के वंश का निरूपण हुआ, अब उनके जो छोटे भाई हैं प्रियव्रत, उनके वंश का निरूपण करिए। तो प्रियव्रत का जैसे वंश निरूपण किया तो कहा कि भैया प्रियव्रत कोई साधारण नहीं है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमंत यन मूलम कर्म बंध पराभव। ये प्रियव्रत कौन थे, ये बड़े परेशान थे, किससे, सूर्य भगवान से। बोले सूर्य जब अस्ताचल हो जाते हैं तो फिर शाम को रात्रि हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो इन्होंने तपस्या करके एक सूर्य भगवान के समान ही एक रथ का अर्जन किया, रथ को भगवान की कृपा से प्राप्त किया। अब जब सूर्य भगवान आगे आगे तो पीछे अंधेरा हो जाता, जब सूर्य आगे आगे चलने लगे तो ये फिर पीछे पीछे उस रथ में बैठ करके चलने लगे, और इन्होंने उस रथ में बैठ करके इस धरा पर 7 बार घुमाया, 7 बार। और उन्हीं प्रवृत्त महाराज ने जब उस रथ को 7 बार घुमाया तो वही सप्त सागर हो गए उनके पहियों के द्वारा, सप्त सागर। ब्रह्मा जी ने समझाया, भैया ये क्या कर रहा है, ये बनाई बनी बनाई प्रकृति है, इसमें उलट फेर मत कर। और कहा कि तुम विवाह करो, विवाह करके भगवान का भजन करो। सुंदर प्रियव्रत जी महाराज का विवाह हुआ और इन्हीं के वंश में भगवान फिर अवतार लेकर के आए। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज से जैन समाज की शुरुआत हुई। तो जैन समाज है, इसको हम जैन धर्म भी कहते हैं।
इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज की कृपा से शुरुआत हुई और इन्हीं ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज, सबसे बड़े पुत्र। वैसे तो इनके 100 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को, भैया कभी किसी का हृदय मत दुखाना और ये जो पूरी पृथ्वी है ये हम सब की है। उदार चरिताना वसुदैव कुटुंबकम्, पूरी प्रजा को इकट्ठा करके और अपने पुत्रों को बैठा करके बोले भैया नायम देहो देह बाजा नृलोके कष्टान कामान रते वंगुजाये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुद्यै तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वंतकम्। भैया ये शरीर केवल खाने पीने को नहीं मिला है, फिर ये शरीर केवल दुनियादारी के सुखों को भोगने के लिए नहीं मिला है, फिर किसके लिए मिला है? नर तन समन कवने उदे नर तन समन कवने उदे नर तन समन कवने उदे नर तन समन भैया ये शरीर केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। इस शरीर के द्वारा ही भगवान तक पहुंचने का सुगम साधन ये भगवान ने शरीर हमें दिया है, इसलिए इस शरीर को छूटने से पहले भगवत प्राप्ति हो जाए, बस यही कृपा भगवान। महत सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते स्तोम द्वारम योषिताम योग संगम। जो महापुरुषों ने जिस रास्ते को बनाया उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, महापुरुषों का संग करके। और सुनो, ये शरीर जो मिला है ना खाने पीने के लिए सोने के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि खाना पीना तो अन्य जीव जंतु भी करते हैं। सूकर कूकर करत है खान पान संभो तुलसी प्रथा न खोइए यह तन वजवेयो। इस शरीर का ऐसे ही विनाश मत करिए जब तक भगवत कृपा नहीं प्राप्त होती है। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विनमय सुरद साधव हुए। भैया महापुरुषों का संग करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बड़ा सुंदर उपदेश पुत्रों को देते हैं और उपदेश देने के बाद कहा कि मैं अब अपने बड़े पुत्र को गद्दी दे करके जा रहा हूं। और गद्दी देने के बाद ऋषभदेव जी छोड़ करके चले भगवत वजन करने लगे। अब भरत जी महाराज हैं, वो सोच रहे हैं वाह जब पिताजी छोड़ करके चले गए तो मैं क्या करूं। समझ में आ गया, जब पिताजी ने सुख का भोग नहीं किया तो मैं सुख को भोग करके क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि पिताजी भी तो समझाते थे भैया ये जगत में कोई स्थिरता के लिए नहीं आया है, जगत किसी ये जगत एक जैसा नहीं रहने वाला है, फिर ये परिवर्तन होता है, हर क्षण हर पल इसका परिवर्तन होता है। और किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट।
जगत में कोई न सभी बड़े भाव से गाइए तेल चमेली चंदन सावन तेल चमेली चंदन सावन तेल चमेली चंदन सावन तेल चमेली चंदन सावन अरे चाहे लगा लो सत जगत में कोई न परमान जगत में कोई न परमान अच्छा एक बात बताओ इस जगत में कौन कौन परमानेंट है हाथ खड़ा करें जो है वो खड़ा करें जो नहीं है वो अच्छा यजमान हमारे परमानेंट महाराज हम तो अमर पट्टो लेके आए हाँ आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट भैया सीटी बंद ही कर ले के एक बार बजाई दे तब क्या जो करानो एक बार करा दे तू आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट हो प्यारे जगत है रेस्टोरेंट प्यारे जगत है रेस्टोरेंट अंत समय जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट बड़े भाव से तारी सेवा करते हुए ऋषभदेव जी समझाते हैं अपने बड़े पुत्रों को सभी को हाँ हर द्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे घूमो दिल्ली कैंटर हाँ हर द्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे घूमो दिल्ली कैंटर हाँ मन में नाम प्रभु का राखो 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 चाहे धोती पहनो या पैंट जगत न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट बड़े भाव से कहिए प्रभु हमको तुम्हारे जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे लेफ्टिनेंट जो बड़े बड़े पदों पर लोग रहते हैं एक व्यक्ति के लिए 20-20, 25-25 गाड़ी आगे पीछे महाराज है 10-10, 20-20 बॉडीगार्ड एक व्यक्ति के लिए
चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो जो बड़े बड़े पदवी पर बैठे हैं, हैं? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया, चाहे हो लेफ्टिनेंट। सभी महाराज सोचते हैं कि हमें कोई मार ना दे, मार ना दे, बड़ी सिक्योरिटी महाराज है, इतनी सिक्योरिटी चलती है, पता नहीं क्या करके मानेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं क्या, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या सबदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पुत्रों को, भैया यार जगत में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन हम मान बैठे हैं अपने आप को कि हम तो परमानेंट, ये हमारा, ये घर हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये गाड़ी हमारी है, ये दौलत हमारी है, हम इसके राजा हैं। भैया तुम बैठ जाओ, प्रसाद होतो रहेगो, जो आतो रहेगो, चढ़ातो रहेगो, जो भाग्य में होगो वो भाग के आवेगो, और जो भाग्य में ना है वो भाग के चलो जाएगा, बैठ जाओ। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह के इस दफ्तर से मत होना अपसेंट भैया, मत होना अपसेंट। कथा कीर्तन के दर से मत होना अपसेंट हो भैया, मत हो। कथा हो रही है चले जाओ सुनने के लिए, ड्यूटी तो आप कल भी चले जाओगे, लेकिन कथा कल सुनने को नहीं मिलेगी, ये पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त नहीं होती। मैंने पहले दिन बताया था, भाग्य दैन बहुजन्म समर्जते न सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा भाई, एक नहीं दो नहीं हजारों जन्मों के पुण्य उदय हो जाने पर ये कथा मिलती है श्रवण करने को, और वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है कि जिसके सर पर ये पोथी रखी जाती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत साम अंत राम, जन्म निकल जाता है लेकिन, और आजकल तो मैं देखता हूँ, चलो कथाएं तो ज्यादा हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जागरण।